फिर एक बार लड़ गए सिद्धार्थ और रुबीना। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 में अब नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। अब ये डिसाइड करने को कह दिया है सीनियर्स को कि आखिर उनको किसे देखना है बिग बॉस सीजन 14 में लंबे समय तक। अब मैं आपको बता दूं कि क्या ही हुआ। टीवी के दो कटआउट्स है, वहां पर दो सदस्य को खड़ा कर किया जा रहा है और सीनियर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि आखिर ये इनमें कितनी क्षमता है आगे जाने की। तो जब एजाज और रुबीना की बारी आई तब सिद्धार्थ शुक्ला ने ये कहा कि मुझे पसंद होगा अगर एजाज आगे तक जाएंगे कि वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है और एक अच्छा पैकेज है उनके पास और वो अच्छे कंटेस्टेंट है। वहीं पर रुबीना के बारे में सिद्धार्थ ने ये कहा कि रुबीना सिलेक्टिवली डम है। जी दोस्तों, हमने ये पहले भी देखा है कि सिद्धार्थ और रुबीना कभी भी एक दूसरे से क्या बोल सकते हैं कि यूनानिमस वोटिंग उनका किसी भी चीज़ पे नहीं होता है। वो कभी कभी किस बात पे लड़ जाते तो किस बात पे लड़ जाते, पर सिद्धार्थ का ये मानना फिर भी था कि सिद्धार्थ ये कहते हैं रुबीना अच्छी कंटेस्टेंट तो है पर वो कुछ अपने जो रंग ढंग है वो नहीं दिखा रही। ये पहले दिन से सिद्धार्थ कह ही रहे थे और अब उन्होंने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी और कह दिया कि रुबीना सिलेक्टिवली डम है। तो क्या कुछ है आपकी राय इस पर? क्या आप भी सिद्धार्थ से सहमति रखते हैं? अगर ये आपको भी लगता है तो बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आप इसके अगेंस्ट हैं तो आपको क्या लगता है इस बारे में और सिद्धार्थ के स्टेटमेंट के बारे में, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ।